नमस्कार, पीसीएस इंसोर्स में आपका स्वागत है। हमारा आज का विषय है खबरों में चित्तौड़गढ़ किला। तो चलिए जानते हैं ये हालिया खबर में क्यों है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान के प्रतिष्ठित चित्तौड़गढ़ किले की परिसर की दीवार के 5 किलोमीटर के दायरे में विस्फोट या विस्फोटकों के उपयोग से चूना पत्थर के खनन पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा है कि राज्य सरकार के पट्टेदारों द्वारा आसपास के क्षेत्र में उपलब्ध खनिजों का अनुपातहीन दोहन चित्तौड़गढ़ किले और उसके अस्तित्व के लिए खतरा है। चित्तौड़गढ़ किले के बारे में जानते हैं। यह भारत के सबसे बड़े जीवित किलों में से एक है। यह किला राजपूत वीरता का एक प्रतिष्ठित प्रतीक है। यह राजपूत इतिहास में एक उल्लेखनीय स्थान रखता है, जिसकी विरासत 7वीं से 16वीं शताब्दी ईस्वी तक फैली हुई है। किले की उत्पत्ति का श्रेय मोरी राजवंश के चित्रांगद को दिया जाता है, जिनके बारे में माना जाता है कि उन्होंने इसे 7वीं शताब्दी ईस्वी में बनवाया था। अपने इतिहास के दौरान चित्तौड़गढ़ किले पर कई राजवंशों का शासन रहा, जिनमें मोरी या मौर्य, प्रतिहार, परमार, सोलंकी और गुहिलोत यानी सिसोदिया शामिल थे। इसे पहले चित्तौड़ हिल किला कहा जाता था, जो 8वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी तक मेवाड़ के राजपूत राज्य की राजधानी थी। यह सिसोदिया राजपूतों के लिए एक गढ़ के रूप में कार्य करता था। इस किले पर 3 बड़े हमले हुए। 1303 में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा, 1535 में गुजरात के बहादुर शाह द्वारा और 1567-68 में मुगल सम्राट अकबर द्वारा। आपको बता दें कि चित्तौड़गढ़ किले को इसके सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व को पहचानते हुए 2013 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया गया था। किले की प्रमुख विशेषताओं के बारे में जानते हैं। यह किला चित्तौड़ पहाड़ी के ऊपर स्थित है और आसपास के क्षेत्र से लगभग 590 फीट यानी 180 मीटर ऊपर स्थित है। इसका आकार विशाल है और इसकी दीवारें लगभग 8 मील यानी 13 किलोमीटर की परिधि और लगभग 700 एकड़ यानी 280 हेक्टेयर क्षेत्र में फैली हुई है। किले में 7 प्रवेश द्वार हैं, जिनमें पडल पोल, भैरव पोल, हनुमान पोल, गणेश पोल, जोरला पोल, लक्ष्मण पोल और राम पोल शामिल है, जिसे 1459 में निर्मित किया गया था। पूर्वी प्रवेश द्वार को सूरज पोल के नाम से जाना जाता है। यहाँ पद्मिनी तालाब के पास पद्मिनी महल स्थित है, जहाँ अलाउद्दीन खिलजी ने रानी पद्मिनी की पौराणिक सुंदरता की झलक देखी थी। रत्नेश्वर तालाब के पास स्थित रतन सिंह महल का श्रेय राणा रतन सिंह द्वितीय को दिया जाता है। महाराजा फतेह सिंह द्वारा निर्मित फतेह प्रकाश पैलेस अब एक संग्रहालय के रूप में कार्य करता है। अन्य उल्लेखनीय हवेलियों में आला काबरा, फत्ता और जयमल खटान का महल और पुरोहित जी की हवेली शामिल है। इसके अलावा किले की दीवारों के भीतर आगंतुक कई महलों, जैन एवं हिंदू मंदिरों और 2 जटिल नक्काशीदार जैन स्तंभों को देख सकते हैं। यह किला 2 उल्लेखनीय टावरों से सुशोभित है, टावर ऑफ फेम कीर्ति स्तंभ और टावर ऑफ विक्ट्री विजय स्तंभ। इन टावरों का निर्माण क्रमशः 12वीं और 15वीं शताब्दी में किया गया था। यहाँ मौजूद मंदिर है 8वीं शताब्दी ईस्वी का कालका माता मंदिर, मूल रूप से सूर्य को समर्पित था और अब देवी काली की पूजा की जाती है। भगवान शिव को समर्पित समाधीश्वर मंदिर का निर्माण 11वीं शताब्दी में भोज परमार ने करवाया था। कुम्भस्वामिनी मंदिर, जो मूल रूप से बराह विष्णु का एक अवतार को समर्पित था, इसका पुनः निर्माण महाराणा कुंभा द्वारा किया गया था। चलिए अब नोट कीजिए आज का अभ्यास प्रश्न। चित्तौड़गढ़ किले के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, राणा कुंभा ने इस किले का निर्माण 7वीं शताब्दी ईस्वी में करवाया था। दूसरा, यह किला कई राजवंशों का शासन रहा, जिनमें मौर्य, प्रतिहार, परमार, सोलंकी और गुहिलोत शामिल थे। उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? इसका सही उत्तर कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।